दोस्तों आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आप अपने डिस्पैच से डिलीवरी तक के प्रोसेस को कैसे इजी और स्मूथ कर सकते हैं और अपनी पार्टीज के साथ एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकते हैं तो हम बात कर रहे हैं मार्ग ई के डिलीवरी मैनेजमेंट फीचर की जिसकी हेल्प से आप अपनी मल्टीपल पार्टीज को एक साथ उनके प्रोडक्ट्स की डिलीवरी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और साथ ही व्हाट्सएप एंड एस के माध्यम से आसानी से डिलीवरी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आपकी पार्टीज डिलीवरी मैसेज में दिए प्रीव्यू लिंक पर क्लिक करके अपने रिसीव हो रहे प्रोडक्ट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी व्यू कर पाएंगे और आपको किसी भी ऑनलाइन पेमेंट मोड से पेमेंट भी कर पाएंगे सबसे पहले आपको डिलीवरी मैनेजमेंट फीचर को एक्टिव करने के लिए होम स्क्रीन से मास्टर्स से पासवर्ड एंड पावर से ऑपरेटर्स में आएंगे यूजर सेलेक्ट करेंगे सर्च इन ऑल बार में डिलीवरी मेंशन करेंगे और एक्सेप्ट पर एंटर करके सेटअप में आएंगे यहां आपको पहला ऑप्शन दिया गया है डिलीवरी मैनेजमेंट जीरो फॉर नॉट अलाउड वन फॉर व्यू एंड टू फॉर एडिट अगर आप इस ऑप्शन को वन पर सेलेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ अपनी पार्टीज के डिलीवर हो रहे प्रोडक्ट्स को व्यू कर सकते हैं उन्हें डिस्पैच नहीं कर सकते हैं और अगर आप पार्टीज के ऑर्डर्स को देखना भी चाहते हैं और डिस्पैच प्रोसेस भी करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को टू पर सिलेक्ट करेंगे और जीरो मतलब आप इस ऑप्शन को यूज नहीं करना चाहते हैं जैसे हम अभी इस ऑप्शन को दो पर सिलेक्ट करते हैं ताकि हम पार्टीज के ऑर्डर्स को व्यू भी कर पाए और डिस्पैच प्रोसेस भी कर पाए फिर एस्केप की प्रेस करके चेंजेस को सेव करेंगे और रीलॉग इन करेंगे और अब डिलीवरी मैनेजमेंट फीचर एक्टिवेट हो गया है अब ट्रांजेक्शन मेन्यू से डिलीवरी मैनेजमेंट में दो ऑप्शन है डिलीवरी और रिपोर्ट डिलीवरी से आप बिल्स को डिस्पैच कर सकते हैं और रिपोर्ट ऑप्शन से डिस्पैचड बिल्स की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं अब हम डिलीवरी ऑप्शन पे एंटर करते हैं तो यहां आपको कंप्लीट डिलीवरी पैनल दिया गया है यहां से आप पर्टिकुलर पार्टी भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके बिल्स डिस्पैच करने होंगे देन यहां से डेट रेंज एंड टाइम सिलेक्ट करेंगे जब से जब तक के बिल्स आपको देखने और डिस्पैच करने होंगे ऐसे ही आप यहां से अपने अकॉर्डिंग एरिया रूट स्टेशन या एमआर वाइज पार्टीज के ऑर्डर्स की डिलीवरी को मैनेज कर सकते हैं जैसे मान लीजिए आपका एक कंसाइनमेंट आजादपुर रूट पर जाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहां से अपने एरिया और रूट का सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर आप सभी बिल्स की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो इन फील्ड्स को स्किप करके सिंपली शो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर पार्टीज़ के बिल्स डिस्प्ले हो जाएंगे यहां से आप फिल्टर भी कर सकते हैं कि आपको पेंडिंग बिल्स देखने हैं डिलीवर्ड देखने हैं अंडर प्रोसेस ऑल बिल्स देखने हैं और साथ ही दिए गए सर्च बॉक्स से आप पर्टिकुलर कस्टमर नेम और आइटम नेम से भी लिस्ट में से बिल सर्च कर सकते हैं एंड यहाँ शो हो रहा है कि कितने बिल्स डिलीवर्ड है पेंडिंग है प्रोसेसिंग में है और सिलेक्टेड है और यहाँ शो स्टेटस पे क्लिक करके बिल्स का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और अगर इन बिल्स में से कोई आइटम कोल्ड स्टोरेज का होगा तो यहाँ शो हो जाएगा और आप इन बिल्स का प्रिंट भी ले सकते हैं और साथ ही यहाँ रिफ्रेश बटन से आपके न्यू बिल्स लिस्ट में लोड हो जाएंगे और अगर आप डिस्पैच मैनेजमेंट फीचर यूज करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं डिस्पैच की जो स्टेज कंप्लीट हो चुकी है उसके आगे टिक शो हो रहा है और अगर आप चाहते हैं कि वही बिल हो जिनकी सारी हो चुकी हो, तो उसके लिए आप डिस्पैच मैनेजमेंट यूज नहीं करते तो आप इसे जीरो पे सेट रहने देंगे यानी विदाउट डिस्पैच मैनेजमेंट अब एस्केप बटन प्रेस करके वापस होम स्क्रीन से ट्रांजैक्शंस, डिलीवरी मैनेजमेंट डिलीवरी में आएंगे डेट रेंज सिलेक्ट करके शो करेंगे तो आपको यहां से डिस्पैच आप आप तो बटन पे क्लिक करेंगे फिर आपको डिलीवरी डिटेल के ये पॉपअप विंडो ओपन होगी यहां से आप डिलीवरी मैन सिलेक्ट करेंगे जिसे आप पार्सल्स के डिलीवरी के लिए भेजना चाहते हैं इसके अलावा अगर आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग व्हीकल नंबर नंबर ऑफ पैकेट्स या पार्सल्स नंबर ऑफ कार्टन इस सब फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं नहीं तो इस फील्ड को स्किप भी कर सकते हैं इसके बाद है डेट ऑफ डिस्पैच वैसे बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर यहां करंट डेट पिक करता है लेकिन आप यहां डेट मेंशन कर सकते हैं जिस डेट पे अपने बिल्स डिस्पैच करने हैं फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे देन अगेन एक पॉप पॉप मैसेज शो होगा जिसमें आपको बिल्स की कॉन्फर्मेशन शो होगी फिर ओके okay पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप डिस्पैच हुए बिल्स की रिपोर्ट चेक करने के लिए स्केप बटन प्रेस करके वापस होम स्क्रीन पे आएंगे ट्रांजेक्शन से डिलीवरी मैनेजमेंट से रिपोर्ट में आएंगे डेट रेंज सिलेक्ट करके शो बटन पे क्लिक करेंगे देन आपको डिस्पैच बिल्स की डिटेल्स यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी और यहाँ से आप एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं पीडीएफ में एक्सेल में और व्यू भी कर सकते हैं सेंड व्हाट्सएप के कॉलम में सेंड पे क्लिक करके आप डायरेक्टली पार्टी को डिस्पैच बिल्स की डिटेल्स भेज सकते हैं और यहां सबमिट फॉर डिलीवरी ऐप से आप ई डिलीवरी ऐप में बिल्स को डिलीवरी के लिए सबमिट कर सकते हैं और अगर आप डिलीवरी शीट को एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अलर्ट विंडो शो होगी अगर सेलेक्ट मोड में ओपन करना है तो यस yes करेंगे मैनुअल के लिए नो no करेंगे हम यस yes पे क्लिक करते हैं यानी और, 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 और फिर आप यहां से फाइनलाइज पे क्लिक करके चेंजेस को सेव कर करके रिपोर्ट को फाइनल कर देंगे और रिपोर्ट फाइनल करने के बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते और अगर आप सेंड ऑन व्हाट्सएप का डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे गए लिंक पे क्लिक करें अभी हमने सीखा सिलेक्ट मोड में कैसे बिल्स को डिस्पैच करते हैं अब हम सीखते हैं मैनुअल मोड में कैसे बिल्स को डिस्पैच करते हैं सबसे पहले मैप एरिया से हम राउट को एरिया के साथ मैप कर देंगे कि किस राउट के अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं फॉर एग्जाम्पल राउट वन के अंदर में न्यू डेली आजादपुर पीतमपुरा एरिया आता है ऐसे ही राउट टू के अंदर कौन कौन से एरिया है हम मैप कर लेंगे और ऐसे ही मल्टीपल राउट के साथ कौन कौन से एरिया आते हैं हम मैप कर लेंगे और उसको सेव कर देंगे ये एक वन टाइम प्रोसेस है उसके बाद हम सिलेक्ट स्लॉट पे आएंगे स्लॉट नंबर मेंशन करेंगे कि यह आपका पहला स्लॉट है दूसरा है तीसरा है फॉर एग्जाम्पल दिन में तीन बार बिल्स डिस्पैच होते हैं तो तीन बार गाड़ी जाती है डिलीवरी के लिए तो उस हिसाब से आप नंबर मेंशन कर देंगे उसके बाद हम राउट पे आएंगे कि किस राउट पे आपको बिल्स डिस्पैच करने हैं और किस एरिया के प्रोडक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं उस हिसाब से राउट सिलेक्ट कर लेंगे और राउट वाइज यहां एरिया भी शो हो रहा है

तो बिल्स डिस्पैच हो जाएगा और स्क्रीन पे अलर्ट मैसेज शो होगा बिल्स सबमिटेड हो गए हैं और यहीं से आप रिपोर्ट्स भी चेक कर सकते हैं रिपोर्ट्स पे क्लिक करके यहां से आप डिलीवरी डेट सेलेक्ट रूट सेलेक्ट स्लॉट डिलीवरी मैन ड्राइवर मैन यूनिक नंबर फिल करके प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और फिर यहां से आप व्यू कर सकते हैं जैसे कैश क्रेडिट जी यू आई पे क्लिक करेंगे तो यहां से आपको डिस्पैच बिल की डिटेल्स शो हो जाएगी और आप इन सभी फॉर्मेट में भी रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं और अगर आप डिस्पैच हुए बिल्स में कुछ चेंज या रिमूव करना चाहते हैं तो यहां होम स्क्रीन से रिपोर्ट पैनल से एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये अलर्ट विंडो शो होगी अगर सिलेक्ट मोड में ओपन करना है तो यस yes करेंगे मैनुअल के लिए नो no करेंगे हम नो no पे क्लिक करते हैं यानी मैनुअल में तो यहाँ से आप डिटेल्स चेंज करके अपडेट कर सकते हैं तो आज हमने जाना ईआरपी में डिलीवरी मैनेजमेंट फीचर के बारे में थैंक्स फॉर वॉचिंग